सफाई निफ्स ईमान है, नक्कालों से होशियार। खैबर से लेके कराची तक एक ही नाम, शराफत अली गोगा नकीबिया मुर्ग चने। ए ब्लॉक स्टोर मार्केट मॉडल टाउन लाहौर। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में 40 साल पुरानी महमूद टिक्का शॉप के बीफ टिक्का, बीफ कबाब, चिकन कबाब, मलाई बोटी, गोला कबाब, सीना पीस, लेग पीस और रेशमी कबाब अपने उम्दा जायके और बेहतरीन मियार की वजह से आज भी लोगों में बहुत पसंद किए जाते हैं। महमूद टिक्का शॉप के स्पेशल बीफ टिक्का और बीफ कबाब पूरे लाहौर में कहीं नहीं मिलेंगे। महमूद टिक्का शॉप सी ब्लॉक मॉडल टाउन के CEO महमूद ने आवाम न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, क्या नाम है आपका? महमूद अख्तर। महमूद टिक्का शॉप, ठीक है जी। अच्छा, ये कब से कर रहे हैं महमूद भाई आपका? ये भाई 30-35 साल हो गए इधर ही। अच्छा, तमाम आपके सी ब्लॉक, ई ब्लॉक, जिन ब्लॉक के सारे वाकिफ हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नए आए हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि एक दफा मेरा टेस्ट चेक करें और चीज देखें। अच्छा अच्छा, अपना बताएं कि जब कोई ऑर्डर देता है आपको, शादी ब्याह का, सालगिरह का, कोई ऐसे इवेंट का, तो क्या तरीका कार है? वो वजन ये बात है कि वो दो दिन पहले बताना, दो दिन पहले बताएंगे फिर आप उसका उनसे बातचीत। तो क्या किलो के हिसाब से या क्या होता है? किलो के हिसाब से उनको मटेरियल उनका या आपका? उनका हो तो फिर 600 रुपए के जी लेते हैं। अच्छा, अगर हमारा हो तो फिर 1000 रुपए के जी। ठीक है जी। क्या पैगाम देते हैं कस्टमर को कि एक दफा आए जी, एक मरतबा चेक करें, खाना पसंद करें? ठीक। डोगरी नान, गार्लिक नान और हर किस्म का नान आर्डर पर तैयार किया जाता है। महमूद टिक्का शॉप पर आने वालों का कहना था कि क्या नाम है जी आपका? मेरा जी उमर जवेद। उमर जवेद, सब ये बताएं कि इनके बारे में क्या कहते हैं आप, टिक्का कबाब जो? सर, हमने लाहौर में काफ़ी जगह जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया है, फिर हैं, खाया भी है, अंदरून शहर से भी खाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इनका खाना टेस्टी है और इनके खाने में लज्जत है, क्योंकि ये आज से नहीं कुछ 40-50 साल पुराने बैठे हैं। महमूद भाई, महमूद टिक्का शाह वाले सी ब्लॉक मॉडल टाउन मशहूर हैं ये, ठीक है। इनका बीफ टिक्का जो है ना वो बहुत एक अहम चीज़ है, क्योंकि पूरे लाहौर में किसी के पास नहीं बीफ टिक्का और बीफ कबाब। बाकी आपको पता है चिकन आइटम है वो हर एक के पास होती है, हमारे जो बीफ टिक्का इनका और बीफ कबाब वो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ लें कि वीक के अंदर हम दो दो तीन तीन दफ़ा खाने आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी दूर से, लाहौर से, बाहर से लोग आते हैं इनके पास खाना खाने, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनका जो है ना खाने का टेस्ट है, और अल्लाह ताला इस तरह इनका टेस्ट रखे, और ये बहुत पुराने बैठे हैं और बहुत अच्छा इनका खाना। अच्छा, मैंने सुना है कि ये शादी ब्याह, सालगिरह या कोई ऐसा इवेंट हो किसी के घर, वो भी करते हैं? जी सर जी। उसका क्या तरीका, कैसे बुलाना है इनको? कोई सर इनको कॉन्टेक्ट नंबर? हाँ जी, कॉन्टेक्ट नंबर है इनका भी, और इनका कार्ड बने हैं, इनका नंबर भी है, इनको नंबर पे वो फोन करते हैं 1 से 2 दिन पहले ऑर्डर से, ठीक है। माशाल्लाह ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि इन्होंने दो दो तीन तीन चार चार मंथ सौदा लगाया वाह। उसके अंदर इसके बीफ कबाब, बीफ टिक्का, चिकन कबाब, मलाई बोटी पीस, लेग पीस, ठीक है, रेशमी कबाब, गोला कबाब, काफ़ी आइटम इनके पास हैं जो माशाल्लाह ये ऑर्डर लगा के आते हैं, और आज से नहीं 30-35 साल से ऑर्डर लगा रहे हैं, और काफ़ी लोग सोसाइटीज़ के जो टाउन, वापरा टाउन, डिफेंस और बैरियर टाउन के लोग जो है ना इनके अच्छी तरह इनसे वाकिफ हैं और इनको जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? आबिद अली। सर ये सी ब्लॉक है जी। सी ब्लॉक में ये मुदा टिक्का कबाब कार्नल वाले जी, जी। इनका क्या सफाई है या मेहनत से काम करते हैं या? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बताएं कैसे? बहुत अच्छा, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है इनका, तो अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं। अच्छा, क्या प्राइस इनके ज्यादा है कि मुनासिब है? मुनासिब प्राइस, मुनासिब। क्या कहते हैं उन खाने वालों को जो दूर खाने वाले आए, खाएं, चेक करें, जरूर करें, इनका टेस्ट चेक करें, बहुत अच्छा टेस्ट है। क्या नाम है आपका? आबिद अली। आबिद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अफजल। अफजल अफजल साहब, ये बताया कि 14 अगस्त नजदीक आ रही है, रश भी पड़ेगा खाने पीने की चीज़ों में, आपके इलाके में ये सी ब्लॉक में ये जो मुद्दा टिक्का कबाब कार्नल है, इसकी क्या खूबी है? अच्छा टेस्ट, अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, खाया भी है, हर चीज़, प्राइस भी अच्छी है, मुनासिब है। अच्छा, और सफाई भी ठीक है इनकी। अच्छा, ये कहते हैं कि हम शादी ब्याह के भी ऑर्डर पकड़ते हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, कारोबार को बढ़ाना चाहिए। अली भाई ये बताएं कि ये मुदा कबाब वाले जो कार्नल है, टिक्का कबाब कार्नल वाले, इनका मसाले, इनके कबाब कैसे, मजेदार हैं? जबरदस्त है, जबरदस्त।
क्या कैसे जबरदस्त बताए ना, कुछ टेस्ट है बहुत अच्छे है, काफी दूर दूर से कस्टमर आते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं जो लोग अच्छा खाना चाहते हैं, वो कहाँ आए? इधर ही आए, मॉडल टाउन सी ब्लॉक छोटी मार्केट, छोटी मार्केट में मुद्दा कबाबों वाला मुद्दा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैं हैरान हूँ कि एक छोटी सी ये शॉप है, लेकिन लोगों का कहना है कि इनका मसाला, इनका जो बनाने का अंदाज है, साफ सुथरा, बहुत अच्छा है। मैंने अब देखा तो आपको देख के मैंने यकीन किया कि यार वाकई अगर गाड़ियों वाले आगे ले सकते हैं तो कोई इत्माद है। क्या कहते हैं इनके बारे में सर? कबाब इनके बड़े अच्छे होते हैं, प्रॉपर साफ कीमा होता है, कोई उसमें छिछड़े वगैरह नहीं डालते, कोई ऐसी चीज़ नहीं डालते, और टिक्का बड़ा अच्छा होता है, अच्छे गोश्त का अंडर कट का खास तौर पर ये बनाते हैं, और चिकन भी ऐसे है, चिकन बोटी भी ऐसे है, और सफाई सफाई का भी ख्याल रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप भी ट्राई करें, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को जो बड़ी बड़ी शॉपों पे जाते हैं, बड़े पकवान नाम पी के, क्या वो मिसाल है? बेसिकली वो लोग एक तो सिटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है बस ही, बाकी तो इनका उनसे जायके में बहुत अच्छा है, उनसे जायके में इनका कबाब बहुत अच्छा है, टेस्ट के हिसाब से आप खुद देखें, टिक्का बहुत अच्छा है इनका, अंडर कट का होता है, चिकन टिक्का बहुत अच्छा है, लेग पीस बहुत अच्छा है। गुड नेम अतर रफी टीपू। थैंक यू टीपू साहब, थैंक यू। कबाब या टिक्का एक ऐसी चीज है, लोग कहते हैं कबाब अगर सही बनाओ तो आपके गले में नहीं लगता, कई जो कबाब हैं जिनमें चर्बी और मामला डाले होते हैं वो गले को लग जाते हैं। यहाँ हमारे करीब ही डी ब्लॉक है, उसमें भैया कबाब वाले मशहूर है, लेकिन चोर बाजारी का बाजार गर्म है। ये छोटी सी शॉप है, यहाँ आए हैं, लोगों से बातचीत की है, लेकिन उन्होंने तारीफ ही की है हर बंदे ने कि जी मसाले भी सही, साफ सुथरा काम करते हैं, ज़्यादा लालच नहीं करते, जितना अल्लाह इनको रोजी देता है हक हलाल की ये कमाते हैं, और सफाई नेफ सीमान है, ये सफाई से कमाई करेंगे, आज ये शॉप छोटी है कल बड़ी भी हो सकती है, जैसे लोगों की नज़र पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। आप नक्कालों से होशियार रहिए, जब भी आए यहाँ के शीप ब्लॉक में आए और इनके साथ एक दफा जरूर खा के देखें। कैमरामैन अमजद के साथ अशरफ खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बेहतरीन अवार्ड्स, ट्रॉफियां, नेम प्लेट्स और शील्ड बनवाने के लिए आपका बेहतरीन इंतखाब यूनिक वेज प्राइवेट लिमिटेड, सीईओ चौधरी माजिद नवाज, डिप्लोमा इन फाइन आर्ट, स्कल्पचर, ग्राफिक डिजाइनिंग अवार्ड विनर की जेर निगरानी, आला मियार और बेहतरीन काम हमारा इत्मीनान। मियारी काम के लिए आज ही तशरीफ लाएं, माल रोड लीगल चौक, यूनिक वेज प्राइवेट लिमिटेड।